नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 1 अक्टूबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से बिहार के 8 जिलों में शुरू होगा बालू खनन का काम। जलवायु परिवर्तन का असर कम करने के लिए बिहार के इन जिलों का हुआ चयन। पंचायत समितियों के कार्यों की निगरानी अब होगी बीडीओ के बिहार। आज से शुरू होगा दूसरे चरण का मतगणना। बिहार सरकार ने केंद्र से मांगे 6,000 करोड़। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। सूबे बिहार में एक दफा फिर से मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। कई जिले में ठंडी हवाएं बुधवार की शाम से ही चल रही हैं, जिस कारण से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य के पूर्व और उत्तर के जिलों में 48 घंटों के दौरान बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज पटना सहित अन्य कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और बिजली के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। साथ ही आज के लिए जमुई और नवादा जिले में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। सर्विस प्लस पोर्टल पर कई गुना बढ़ी आवेदनों की संख्या। सर्विस प्लस पोर्टल पर अब तक आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए जाते रहे हैं। हालांकि इस पोर्टल पर कुछ तकनीकी समस्या जरूर आ रही थी। पीक आवर्स में 1.5 लाख तक आवेदन में आई तकनीकी खराबी को लगभग दूर कर लिया गया है, जो कि NIC की टीम ने एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलप करके किया, जिसके परिणाम स्वरूप ही अब राज्य भर में लोक सेवाओं के अधिकार RTPS के तहत दी जाने वाली सेवाओं के निस्तारण की क्षमता को लगभग 1.5 गुना से 2 गुना कर दिया गया है, जिससे आवेदन जारी करने की संख्या 5 लाख तक हो गई है। इसको लेकर NIC निदेशक RK सिंह बताते हैं कि सर्विस प्लस बेहतर काम करे, इसको लेकर सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। सर्विस प्लस अब तक एक ही डेटा बेस पर काम कर रहा था। आज से बिहार के 8 जिलों में शुरू होगा बालू खनन का काम। बिहार में बालू की जारी समस्या से कुछ हद तक राहत मिलने वाली है, क्योंकि आज से बिहार के 8 जिलों में बालू खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिला शामिल है। हालांकि इन जिलों में बंदोबस्ती की समय सीमा 30 सितंबर तक के लिए ही तय की गई थी, लेकिन सरकार ने पुराने बंदोबस्तधारियों को अगले 3 महीने तक बंदोबस्ती की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे में इन 8 जिलों में पुराने बंदोबस्तधारी ही बालू का खनन कर सकते हैं। वहीं 8 जिलों में बालू घाटों की बस्ती टेंडर के माध्यम से होगी। इसको लेकर जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के लिए शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पदों की संख्या बढ़ा दी है, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। इस परीक्षा से राज्य के एक दर्जन विभिन्न विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बीपीएससी में बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता और पुलिस उपाधीक्षक के पद भी शामिल है। वरीय उपसमाहर्ता और पुलिस उपाधीक्षक के पद भी शामिल है, जिसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीपीएससी की 67वीं परीक्षा में सबसे अधिक ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 133, नगर विकास सह आवास विभाग में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110, बिहार प्रशासनिक सेवा के 88, ब्लॉक SC/ST कल्याण पदाधिकारी के 52, राजस्व अधिकारी के 36, पुलिस उपाधीक्षक के 20 पद शामिल किए गए हैं। गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना हुआ अनिवार्य। गाड़ियों के इंश्योरेंस को लेकर बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत देश में गाड़ियों के इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। यानी कि अब गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया गया है, भले ही आपकी गाड़ी घर में खड़ी क्यों ना हो। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से सभी राज्यों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनिश्चित करने को लेकर फैसला किया है। महाराष्ट्र समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को जमीन पर उतारा जा रहा है, जिसके बाद अगर आपने अब तक अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाया है और आप खुलेआम घूम रहे हैं तो पकड़े जाने पर आपको नोटिस मिलना तय है। जलवायु परिवर्तन का असर कम करने के लिए बिहार के इन जिलों का हुआ चयन। बिहार में जलवायु परिवर्तन की सख्त जरूरत है। ऐसे में बिहार में सरकार ने जलवायु परिवर्तन के काम के लिए 10 जिलों का चयन कर लिया है, जिसमें दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी का नाम शामिल है, जिसके तहत ही अब चयनित जिलों में खेती के साथ पशुपालन और उद्यान से जुड़ी गतिविधियों को जलवायु के अनुकूल बनाया जाएगा। हालांकि कौन कौन सी योजनाएं इन जिलों में चलाई जाएंगी, इसका प्रस्ताव अभी लंबित है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी, ताकि रबी सीजन से गतिविधियां शुरू हो जाए। विश्वविद्यालय उनकी मॉनिटरिंग करेगा। केंद्र की योजना में कृषि से पशुपालन तक की गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। केबीसी
में जल्द ही नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी और स्कैम 1992 के प्रतीक गांधी। कौन बनेगा करोड़पति के आज का एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज शो का हिस्सा कोई और नहीं बल्कि बिहार से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी बनने वाले हैं। वहीं उनके साथ शो में चार चांद लगाने स्कैम 1992 से हर घर में पहचान बना चुके प्रतीक गांधी बतौर गेस्ट के रूप में नजर आने वाले हैं। इसको लेकर हाल ही में चैनल वालों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें प्रतीक और पंकज बैक स्टेज घूमते नजर आ रहे हैं। इसी बीच उनके पास होस्ट अमिताभ बच्चन पहुंच जाते हैं जो उन्हें समझाते दिखते हैं। जारी किए गए प्रोमो में दिखाया गया है कि नाम बुलाने के बाद भी दोनों स्टेज पर नहीं पहुंचते हैं। जब अमिताभ बच्चन देरी की वजह जानने के लिए बैक स्टेज जाते हैं तो दोनों टहलते दिखते हैं। इस पर बिग बी उनसे वजह पूछते हैं तो दोनों बहाना बनाने लगते हैं। नवादा जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार अपने साथ कई विविधताएं समेटे हुए हैं, वहीं बिहार में घूमने के लिए भी कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिसके तहत बिहार में एक ऐसा भी पहाड़ है जो बोल सकता है। जी हां, आपने सही सुना, इन दिनों बिहार के नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के तरौन स्थित यह पहाड़ है। यह जिला मुख्यालय तकरीबन 41 किलोमीटर दूर है, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। यही वो स्थान है, इसके नीचे एक स्थान से कुछ बोलने के बाद वही आवाज लौट कर वापस आती है, इसलिए इस पहाड़ का नाम बोलता पहाड़ रखा गया है। इस इलाके की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए आसपास के जिलों के लोग अक्सर यहाँ की इस खूबी को देखने के लिए आते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि तरौन में जंगली इलाके के बीच बड़े बड़े काले चट्टान से ये पहाड़ सरीखा बना है। पंचायत समितियों के कार्यों की निगरानी अब होगी बीडीओ के ही हाथ। बिहार में पंचायत चुनाव जारी है, जिसके तहत पहले और दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं पहले चरण के परिणाम की घोषणा भी कर दी गई है, जिसके बाद अब पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि पंचायत समिति के कार्यों की निगरानी प्रखंड विकास पदाधिकारी पहले की तरह ही करते रहेंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग का यह कहना है कि बीडीओ ही समिति की स्थापना का काम देखेंगे। ज्ञात हो, इसको लेकर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ने आपत्ति जताई और विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में पत्र जारी किया है। राजद सुप्रीमो की बढ़ सकती है मुश्किलें। चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला डोरांडो ट्रेजरी केस, जिसमें लालू प्रसाद यादव पर 139 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी का आरोप है, उसकी सुनवाई अगले सप्ताह से रांची की अदालत में रोज हो सकती है। इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में डोरांडा कोषागार अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव सहित 77 आरोपियों ने फिजिकल कोर्ट शुरू होने पर सुनवाई टालने की अर्जी दी थी। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद ही इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि कोर्ट जल्द ही इसे निपटा सकती है। लेकिन अभी लालू यादव जेल से बाहर है, ऐसे में आगे कोर्ट के फैसले से लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आज से शुरू होगा दूसरे चरण का मतगणना। दूसरे चरण के मतदान के बाद आज से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके तहत ही दूसरे चरण में मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। ज्ञात हो, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 29 सितंबर को खत्म करवाया गया था। दूसरे चरण में पटना सहित बिहार के 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोट डाले गए थे। वोटिंग के लिए 9686 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो इसमें 76289 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। गांव की सरकार बनाने के लिए लोगों में उत्साह भी दिखा था। कई पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें भी लगी थी। दूसरे चरण में 55.02% मतदान की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद आज परिणाम की घोषणा न होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के खेतों में अब लहलहाएगी मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल की फसल। राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन अंतर्गत टारगेटिंग राइस फॉलो एरिया इन ईस्टर्न इंडिया फॉर ऑयल सीड्स योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद बिहार के खेतों में अब तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य में धान की फसल के बाद से प्रति पेड़ खेत में राई, सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, कुसुम, अंडी और तिल की फसल बोई जाएगी, जिसको लेकर बिहार सरकार नई योजना लेकर आई है। सबसे खास बात यह है कि इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ महिला किसानों को दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार यह योजना फिलहाल भागलपुर, बांका, गया, नवादा, औरंगाबाद, कटिहार और किशनगंज में संचालित की जाएगी। अब गांव में होगा चलता फिरता अस्पताल। बिहार के गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इस बाबत मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जो गांव में मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जिससे कि अब गांव में चलता फिरता अस्पताल मरीजों
के सामने बिहार के बड़े डॉक्टरों से उनका इलाज करवाया जाएगा। इस बाबत बीते दिन सीएम के गृह जिले नालंदा और मुजफ्फरपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। इस हाईटेक मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मेडिकल इक्विपमेंट के साथ टेक्नीशियन की व्यवस्था होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को जन समुदाय के पास पहुंचाने के उद्देश्य से बीते दिन राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। निर्यात पॉलिसी आएगी अस्तित्व में। बिहार में जल्द ही निर्यात पॉलिसी की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत उद्योग विभाग ने सभी जिलों में निर्यात संवर्धन समिति बनाई है। समिति को कहा गया है कि वो अपने अपने जिलों के लिए उन उत्पादों की सूची बनाए जिन्हें निर्यात किया जा सकता है, यानी कि अब मखाना, चावल और प्याज से आगे बढ़कर तुलसी पत्ता, मेथी, बांसुरी और पिड़ुकिया सहित कई चीजों का निर्यात होने वाला है। इसको लेकर मखाना निर्यात के लिए 6 जिलों का चयन भी किया गया है, जिसमें जिन 6 जिलों को इस सूची में शामिल किया गया है उसमें दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, सहरसा, कटिहार और अररिया का नाम शामिल है। इसके साथ ही वैशाली को शहद के निर्यात के लिए तय किया गया है। इसमें मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिले को भी शामिल किया गया है। ने केंद्र से मांगे 6,000 करोड़। बिहार में जल्द ही पंचायत सरकार भवन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए खास सुविधा होने वाली है। इसको लेकर बिहार सरकार ने कमर कस ली है, साथ ही केंद्र से 6,000 करोड़ की मांग की है। आपको बता दें, सरकार ने केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय से 4800 जगहों पर RTPS और CSC काउंटर की सुविधा के साथ पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए राशि की डिमांड की है। इसको लेकर बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने सारी जानकारी भी साझा कर दी है। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार अपने स्तर से 3200 से अधिक जगह पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा रही है। बिहार में संभावित तीसरी लहर से निपटने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में वर्तमान समय में कोरोना के मामलों में भले ही कमी आ गई हो, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा संभावित तीसरी लहर को लेकर जारी किए गए अलर्ट को देखते हुए तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। इसके लिए बच्चों के लिए 1516 डेडिकेटेड कोरोना बेड तैयार किए जा रहे हैं। इसमें 456 हाइब्रिड ICU और 1060 ऑक्सीजन वाले बेड शामिल किए जाएंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सारी जानकारी साझा कर दी है और साफ तौर पर बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बच्चों के लिए बिहार में कोविड डेडिकेटेड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मार्च 2022 तक बच्चों के डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। अब बिहार पुलिस की हर हरकत को देखेगी तीसरी आंख। दिन चाहे कोई भी हो, अक्सर बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। इसको लेकर बिहार पुलिस पर भी कई बार आरोप भी लगे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस के व्यवहार को लेकर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। बिहार में कुल 1064 थाने और 225 OP है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के ADG मॉडर्नाइजेशन कमल किशोर सिंह ने ETV भारत से बातचीत के दौरान कहा है कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब तक 925 थानों में CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं। इन सभी थानों में SHO साहब की केबिन से लेकर FIR रूम, लॉकअप या मालखाना थानों के सभी कोनों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी हाल में मानवाधिकार का उल्लंघन थानों के अंदर नहीं किया जा सके। पेंशन से जुड़ी शिकायतों का समाधान अब होगा ऑनलाइन। बिहार में पेंशनरों को विशेष सहूलियत प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने इससे जुड़े सभी प्रावधानों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर बिहार सरकार ने राज्य में पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम प्रावधानों को लागू कर दिया है। इससे न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत शिकायतों के ऑनलाइन निपटारे के अलावा पूरी जानकारी NPS की वेबसाइट पर आसानी से देखी जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मी इस नई पेंशन योजना NPS का विरोध लगातार करते देखे गए थे। मिली जानकारी के अनुसार कर्मी NPS को अपने हित में नहीं मान रहे हैं। आपको बता दें, वर्तमान में विभिन्न पदों पर तैनात करीब 2.25 लाख कर्मी ऐसे हैं जो NPS के दायरे में आ चुके हैं। मंत्री जी ने तेजस्वी पर पत्र के जरिए राजनीति करने के लगाए आरोप। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने भाजपा सहयोग कार्यक्रम के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कभी भी लोगों की समस्या को लेकर पत्र नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ राजनीति के लिए ही पत्र लिखने का काम करते हैं। पत्र के माध्यम से वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में बाढ़ की समस्या को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम को पत्र लिखा था। इसके बाद ही इस पत्र को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री लगातार बिहार की समस्याओं पर गंभीर तरीके से काम कर रहे हैं। बाढ़ की समस्या पर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते हुए लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम केवल बयानबाजी का ही है। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के बाढ़ प्रभावितों की ईमानदारी से मदद नहीं करने की कही बात। बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भी इससे प्रभावित हैं, जिसके तहत ही जहां एक तरफ बार बार सरकार बाढ़ प्रभावितों की मदद के दावे कर रही है, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कुछ और ही कह रहा है। इसी कड़ी में अब इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार बाढ़ के रोकथाम को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। हमने इस मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश से अनुरोध भी किया था कि PM से मिलकर नदियों को जोड़ने
और बांधों और नहरों को बनाने की सभी योजनाओं को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय योजना घोषित कराने की मांग भी उठाई। इसको लेकर तेजस्वी ने बीते दिन पत्र भी जारी किया था। सिंह ने लॉन्च किया पीपल्स प्लान कैंपेन। बीते दिन केंद्रीय सह बेगूसराय के स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह ने पीपल्स प्लान कैंपेन की शुरुआत कर दी है। इस कैंपेन को शुरू करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने ग्राम पंचायत के विकास की योजनाएं, ब्लॉक पंचायत के विकास की योजनाएं और जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने राज्य सरकारों को अपने स्वयं के अनुकूलित दिशा निर्देश तैयार करने की सलाह दी है। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि इन दिशा निर्देशों के स्नैपशॉट को एक पुस्तिका में संक्षेप और विस्तृत किया गया है, जो ग्राम पंचायतों को सक्रिय लोगों की भागीदारी के साथ अपनी विकास योजना प्रक्रिया शुरू करने में सहायता करेगा। विधानसभा उपचुनाव में समझौता नहीं करेगी कांग्रेस। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर एनडीए में तो कोई खटपट खास नजर नहीं आ रही है, लेकिन विधानसभा लड़ने की जिद पर कांग्रेस अब अड़ गई है, जिससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस उपचुनाव से पीछे नहीं हटने वाली है। बिहार उपचुनाव को लेकर आलाकमान ने 4 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया है, जिसमें आईपी गुप्ता, आनंद माधव, कैशर खान और अजय पासवान का नाम शामिल है। 4 सदस्यीय टीम शुक्रवार को दिल्ली से बिहार के लिए रवाना होगी। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस आगे का फैसला लेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के स्टैंड को अब और ज्यादा बल तब मिल गया जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने अपना बयान जारी किया, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि 2 में से 1 सीट यानी कि कोशेश्वर स्थान पर कांग्रेस किसी भी हाल में चुनाव लड़ेगी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत में डाक टिकट का प्रचलन 1854 में आज के दिन शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश 1953 में अलग राज्य बना। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1967 में आज के दिन हुई। लड़कियों की शादी की उम्र को 1978 में 14 से बढ़ाकर 18 और लड़कों का 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म 1945 में आज के दिन हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ और दलित नेता सूरजभान का जन्म 1928 में आज के दिन हुआ था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का निधन 1574 में आज के दिन हुआ था। भारत के क्रांतिकारी चंदन सिंह गढ़वाली का निधन 1979 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,480 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,620 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 58,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.54 रुपए प्रति लीटर था। आज एक दूसरे से भिड़ेगी पंजाब और कोलकाता की टीम। आईपीएल के दूसरे फेज के तहत खेले जा रहे मैच अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार मैच का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मैदान में पंजाब और कोलकाता की टीम एक दूसरे से भिड़ने वाली है। वहीं पॉइंट टेबल की बात करें तो 11 में से 5 मैच जीतकर कोलकाता की टीम चौथे स्थान पर है, तो 11 में से 4 मैच जीतकर पंजाब की टीम छठे स्थान पर है। इसके बाद आज कोलकाता अपनी जगह टॉप 4 में बनाने की कोशिश करेगी, वहीं पंजाब भी अपनी इज्जत बचाती हुई दिखाई देगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संतोष पटेल, गुंजन कुमार, अंकित आनंद मिश्रा, दिनेश कुमार, विनोद कुमार, रघुवीर पासवान, ओमकार सिंह, धर्मेंद्र कुमार, मंतोष कुमार, गीतांजलि प्रभाकर, भोजपुरी डांस कल, मुतुर रंगीला, शिवम सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल में खेले गए अब तक के मैचों को देखकर आईपीएल की ट्रॉफी किस टीम के पाले में जाने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।